हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इवी पीपल्स में। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ एमएस ऑफिस के एक खास ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, ये एमएस वर्ड का कोई भी एमएस वर्ड में मैं बात करूँ तो 2007, 2010, 2013, 16, 19 सभी वर्जनों में आपके ग्रुप मिलेगा। बट मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इनके टूल्स के बारे में एकदम डिक्लेयर, मतलब ज़्यादा डीप वो जो चीज़ बताऊँगा मैं आपको, आपको देखनी है पूरी तरह से और आप समझ पाएंगे कि केवल जो आप जो टूल जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ये उस तरह के इस्तेमाल से बढ़कर भी और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं इससे। तो क्या चीज़ें हैं, आइए वीडियो में बने रहिए और पूरा समझिए इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस ग्रुप को, ये होम टैब में होता है और इस ग्रुप का नाम जो होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में पहला बटन आपको मिलेगा पेस्ट का, दूसरा कट का मिल रहा है, तीसरा कॉपी का और चौथा जो है आपका फॉर्मेट पेंटर। तो मैं बात करूँ बारी बारी से, अगर जैसे मैं अगर कोई टेक्स्ट भी लिखता हूँ यहाँ पर, कोई टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया और मैं सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से कट किया, जिससे क्या होता है ये चीज़ें कट हो जाती हैं। ये कट होकर जाती कहाँ है ये आपको सुना रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये जो भी चीज़ जो भी मैटर आप कट करते हैं तो ये यहाँ से कुछ देर के लिए हाइड होती है, बट वो आपके क्लिपबोर्ड में मौजूद रहती है। क्लिपबोर्ड कहाँ होता है दोस्तों? ये आप जो दिख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा एरो, ये होता है क्लिपबोर्ड पेन होता है। क्लिपबोर्ड पेन, ये देखिए नेविगेशन खुला हुआ है आपका यहाँ पर। अब दोस्तों, मैंने जो मैटर कॉपी किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मैंने कट किया था। जो भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं, आप उसे अगर कट करते हैं तो चीज़ आपको यहाँ पर मौजूदा ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं अगर बात करूँ तो अगर आप कोई नाम टाइप करके, कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके अगर आप उसे कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट यहाँ भी ऐड होता है लेकिन यहाँ से डिस्प्ले हटता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इन दोनों में अंतर बस यही है कि मतलब कि कट करने से चीज़ें हटेंगी और कॉपी करने से चीज़ें मौजूद रहेंगी। अब खास बात दोस्तों ये बताने वाले हैं ये आपको कि अगर आपने कीबोर्ड के माध्यम से अगर कोई चीज़ें कट की हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली चाहें तो सीधा पेस्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पेस्ट किया, ये मैटर पेस्ट हो रहा है, ये जो डेटा मैंने कट किया था, ये डेटा दोस्तों मैंने कॉपी किया था। तो हालांकि मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि अगर कोई आप टेक्स्ट मैटर को आपने कट किया होगा तो ये जब कॉपी किया होगा अब इसको पेस्ट किया आपने, ठीक है, पेस्ट किया। अब दूसरा आपने टेक्स्ट को लिख दिया, जैसे सब्जेक्ट कुछ ये आपने टाइप कर दिया और इसको अगर आप कॉपी करते हैं अब इसको पेस्ट करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आएगी। अगर हम चाहते हैं कंट्रोल वी करें दोबारा से तो हमारा ये चीज़ आना चाहिए, ये जो टेक्स्ट मैंने कट किया था ये चीज़ दोबारा से आ जाए, तो ये नहीं आएगी। वो कहाँ से आएगी? आपको यहाँ मौजूदा जो टेक्स्ट पर दिखाई दे रहे हैं आप इसके माध्यम से टेक्स्ट को दोबारा ला सकते हैं, मतलब कि बिना आपको कट कॉपी किए बगैर वो मैटर जो आपने कॉपी कट किया था आप यहाँ सीधा कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, हालांकि मुझे मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको ये ट्रिक जो है अच्छी लगेगी। और यहाँ दोस्तों इस सब पेस्ट कर सकते हैं इसको और प्लेयर भी यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर एक खास टूल के बारे में जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। जैसे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा यहाँ पे कहीं और मैंने इसको टेक्स्ट क्लिक किया और मैंने इसको बड़ा किया, बोल्ड किया, डैलिक अंडरलाइन किया, यहाँ पे इसको फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कलर दिख कर, ठीक, ये टेक्स्ट हो गया। अब मैं दोस्तों यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने ये टाइप किया। मैंने टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ये यहाँ पर आ जाए, मतलब जो मैंने फॉन्ट चेंज किया था, इटैलिक किया था, बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया था, वो सब चीज़ें ना करूँ मैं, डायरेक्टली कैसे करता हूँ? तो दोस्तों एक तरीका ये है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, फॉर्म पेंटर क्लिक कीजिए और जिस पे लाना है आप उस पर ऐसे रफ कर दीजिए। ये देखिए आपका सेम टू सेम टेक्स्ट जो है इसकी तरह
हो गया है। ठीक, ये हो गई आपकी माउस से बात। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको कीबोर्ड के माध्यम से कैसे करना है इसको। तो दोस्तों, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको दूसरे टेक्स्ट डालनी है उसको क्या करना है, आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब कीबोर्ड दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी प्रेस करना है और जिस टेक्स्ट पे डालनी है फॉर्मेटिंग को उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट बी टाइप करनी है। अब इस पर यहाँ पर टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप कुछ अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कुछ चंद सेकंड में कर सकते हैं। अब एक लास्ट सबसे खास बताने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको, जैसे दोस्तों मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक शेप लिया ए और इस शेप में मैंने कोई ग्रेडियंट कलर डाल दिया, मैं दूसरा में डालता हूँ ये मैंने ये रंग डाल दिया, ठीक, और मैंने ये शेप ले लिया ट्रायंगल, ये मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम जो कलर फिल है वो सेम टू सेम फिल आए, तो क्या करना होगा इसके दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको, वही कंडीशन फिर से अप्लाई करनी है। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करिए, यहाँ क्लिक कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी कीजिए, सिंपल ये टेक्स्ट आपका हो जाए। हालांकि ये चीज़ आप माउस कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट हो गया, पिक्चर्स हो गए, आप जो चाहें वो आप इसमें ऐड कर पाएंगे। जैसे ग्रेडियंट ये हो गया, अब मैं चाहूँ माउस में जाकर लिख दिया मैंने यहाँ पे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो क्या आप इस टूल के बारे में, इस टूल के बारे में तो मतलब नहीं कहूँगा मैं, आप इस तरह की प्रक्रिया के बारे में अगर जानते थे तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर छोड़ें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में खास ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।